पिपरिया शोभापुर के बीच मुख्य सड़क मार्ग के पास पड़ने वाले रानी पिपरिया गांव के पास आमने सामने से आ रहे एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर सवार सहित ट्रैक्टर चालक एवं एक अन्य बुरी तरह घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों ही घायलों को इलाज के लिए नर्मदापुरम रेफर किया गया। वहीं मौके से फरार ट्रक चालक एवं हेल्पर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सड़कों पर हादसों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज यहां पर सुहागपुर पिपरिया के बीच पड़ने वाले रानी पिपरिया गांव के नजदीक इस मोड़ पर एक भयानक ये दुर्घटना हुई है, जहां पर एक जो ट्रक है वो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया, जिसमें दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी यहां पर मिल रही है। यहां पर जो कुछ चश्मदीद हैं स्थानीय, हम उनसे जानकारी चाहेंगे। क्या नाम है भाई आपका? पवन कुमार। अच्छा पवन जी, ये कहां के रहने वाले हो आप? सुहागपुर। सुहागपुर, कब हुआ ये हादसा, कैसे हुआ? 10-11 बजे हुआ सर। अच्छा, कितने लोग थे ट्रैक्टर में? 3 जने थे सर। अच्छा, तो ये जिस तरह से ये हुआ है, आप कहां जा रहे थे? सर, जा रहे थे। अच्छा, आप पिपरिया जा रहे थे? जी। अच्छा, और ये ट्रक सामने से आ रहा था? हाँ, जी। कैसे हुआ ये? आप ट्रैक्टर में मौजूद थे? सर, है तो ना मैं। आप मौजूद थे? हाँ। अच्छा, तो ये कैसे हुआ ये हादसा? सर, वो ट्रक हमारा ट्रैक्टर 60 से जा रहा था हमारा। अच्छा, तो वो 60 से आ रहा था। अच्छा, स्पीड में था वो। अच्छा, हमने साइड में ऐसे लगा, उसने धक्का वहाँ से दिया, वहां तो खींचते हुए लेके आ रहा था यहाँ आके। अच्छा, तो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि ये सामने से जो ट्रक आ रहा है रोड से, वो एकदम से अपने रास्ते को छोड़कर, अपनी साइड को छोड़कर दूसरी साइड में आया और ट्रैक्टर जो चालक है उसने बचाने का प्रयास किया, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये जो ट्रैक्टर है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ट्रक चालक है उसके लापरवाही से चलाने की जानकारी या जो स्थिति हमें देखने में आ रही है। मुकेश, कितने लोग घायल हुए इसमें? दो लोग घायल हुए। अच्छा, जो ट्रक में कितने सवार थे? दो जन थे। अच्छा, ट्रक छोड़ के भाग गए। वो ट्रक छोड़ के भाग गए। अच्छा, आपके साथ कितने लोग थे ट्रैक्टर में? आप भी थे? मैं था, ड्राइवर था और एक भैया और था। अच्छा, जो घायल हुए उन्हें कहाँ पर चोट आई? उनके पैर खत्म हो गया, ड्राइवर का पैर टूटा सर। अच्छा, और एक लेबर का हाथ टूटा है। अच्छा, और जसमंदी जी हैं। अच्छा, ये जो या स्थान पे जिनने देखा, कहाँ रहते हैं भैया? सर, मैं बोरना गुजर से हूँ, लालजी पटेल। अच्छा, तो आप जब ये दुर्घटना हुई यहाँ पर मौजूद थे? यहाँ पर मौजूद था सर। अच्छा, कैसे हुई हादसा, कैसे हुआ हादसा? ट्रैक्टर इधर से जा रहा था सर। अच्छा, साइड से था, अपनी साइड से। हाँ, ट्रक स्पीड में था, उधर से डंपर आ रहा था। अच्छा, तो उधर से स्पीड से आके ट्रैक्टर में मारी और वहाँ से घसीटते हुए यहाँ के छोड़ा। अच्छा जी सर, तो करीब 100 मीटर मतलब घसीटते हुए लेके आए ट्रैक्टर। अच्छा जी सर, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के दर्शक है, स्थानीय चश्मदीद है, वो हमें बता रहे हैं और जो स्थिति यहाँ पर सामने आ रही है, एक बार फिर जो ट्रक चालकों की लापरवाही के चलते एक बड़ी दुर्घटना यहां पर सामने आई है। साथ ही साथ जिस तरह से ये जो मुख्य मार्ग है वहां पर सड़क पर हादसे हो रहे हैं, उससे ये भी बात नज़र में आ रही है कि इस रास्ते पर सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता